एवरीवन, कैसे आप लोग? आप सबका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कहीं पे भी नहीं है, जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जो कि ऑब्वियसली बहुत बुरा था, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रही हूँ। यानी कि अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान आई एम सो सॉरी अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान मोटर पास, जो कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि मोटर पास क्या होता है, तो बाई एनी बैड लक अगर आपका मोटर पास गुम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या प्रोसेस है यहाँ पे जर्मनी में, वो मैं बताती हूँ। जनरली क्या होता है कि 7 to 8 months के बाद जनरली हर कोई अपने जो मोटर पास है उसको कैरी करके ही घूमता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा जो है वो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 9 months कंप्लीट होने के बाद जो है बेबी जो है डिलीवर हुआ है, एंड मेरा मोटर पास डिलीवरी से एक दिन पहले, यानी कि ड्यू डेट से मेरे एक दिन पहले हमारा मोटर पास जो है वो गुम हो गया। हम मार्केट गए थे एज यूजुअल, एंड हम जब वापस आ रहे थे तो ट्रेन में बाय मिस्टेक हमसे हमारा बैग जो है वो मिस हो गया। एंड हम उसके बाद बहुत सारी चीज़ें किए कि हमने लॉस्ट एंड फाउंड में गए, हम जाके पुलिस कंप्लेन किया, बहुत सारी चीज़ें की, बट कुछ भी नहीं हुआ। और हमें तक यार मोटर पास हो गया गुम, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि सारी जो चीज़ें होती है होल थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है वो सारी आपकी एक मोटर पास में ही लिखी होती है। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि सबसे पहले तो हमारा वो बैग गुम हुआ, हम घर आ गए, हमें तब पता चला कि हमारा बैग जो है वो हम ट्रेन में ही भूल गए हैं। हम सबसे पहले भाग के यहाँ फ्रैंकफर्ट के मेन स्टेशन हॉप बहनोप में गए, वहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड में हमने कंप्लेन कराई। कंप्लेन कराने के बाद हमने वहाँ से पकड़ी थी S2 की ट्रेन, जो कि S2 नंबर की थी, एंड हम वहाँ से अपने घर युक्त के लिए आ रहे थे। तो हमने, मैं और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने S2 की जितनी ट्रेन अप एंड डाउन हो रही थी हमने सारी ट्रेन में सर्च मार लिया खुद से कि लॉस्ट एंड फाउंड में चलो मिलेगा जो भी होगा। बट क्योंकि मेरा ड्यू डेट नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और हमने अप्रॉक्स 5 to 6 hours हमने सारे ट्रेन की छानबीन कर ली, बट हमें हमारा बैग जो है वो नहीं मिला। मे बी कोई लेके गया होगा, मे बी कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। अब हम टेंशन में थे कि अगर रात में मुझे पेन आता है या रात में किसी भी कारण से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी मोटर पास नहीं था और हमें नहीं पता था कि हमारी जो डॉक्टर है वो न्यू मोटर पास बना के देगी कि नहीं देगी। और एज यूजुअल आप सबको पता है कि अगर आप जर्मनी में हो तो आपको पता है कि आप डॉक्टर से ऐसे ही विजिट नहीं कर सकते हो बिना अपॉइंटमेंट के। तो मेरा अपॉइंटमेंट लकली नेक्स्ट डे था, बट मैं डर भी रही थी कि कहीं मुझे पेन ना आ जाए रात में। तो मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई, उससे पहले मैं लॉस्ट एंड फाउंड में गई, वहाँ पे पता किया, कोई बैग नहीं आया है, उनके कोई बैग नहीं मिला है। जब मैं गई तो डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं कोई भी जो है मोटर पास बना के नहीं दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो है हमारा ड्यू डेट ऑब्वियसली उसी दिन था जिस दिन मैं डॉक्टर के पास विजिट करने गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं देंगे, बट उन्होंने बहुत ही आराम से मुझे कुछ भी, वैसे गुस्सा नहीं किया, मुझे डर था कि वो गुस्सा करेगी या जो भी बोलेगी या जो भी पैसे चार्ज करेंगे वो लोग मोटर पास के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे डेट्स नज़दीक थे। तो उन्होंने मुझे एक पेपर पे सारी डिटेल्स जो है, क्योंकि उनके पास भी ऑलमोस्ट एक फाइल बनी होती है, वो सारी फाइल से उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें पेपर पे उन्होंने लिख दिया कि इन केस मुझे अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में तो मैं ये पेपर जो है वो दिखा सकती हूँ। बट उन्होंने मुझे बोला कि तुम जो है एक पुलिस कंप्लेन भी करो, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम्हारे पास वो कंप्लेन की कॉपी होनी चाहिए। अब मैं वो डॉक्यूमेंट लेके तो आ गई, बट एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने ये भी सुना है कि जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरे टाइम बहुत पास में थे तो शायद इसलिए मेरा मोटर पास नहीं बना है, बट अगर मिड में या स्टार्टिंग के दौरान ही मोटर पास में गुम होता है या मोटर पास कुछ होता है तो डॉक्टर न्यू मोटर पास जो है वो बना के देते हैं। सो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं भी है मोटर पास वो बना के नहीं भी दे रहे हैं तो उनका वो राइट है कि वो एक पेपर पे सारी डिटेल्स जो है वो लिख के दे, ताकि आप इमरजेंसी में डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जा सके। अब हम वहाँ से आने के बाद हमने जो है वो पुलिस स्टेशन भी गए, बट पुलिस स्टेशन में पुलिस ने हमें बोला
कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि मोटर पास में कोई सीरियल नंबर्स नहीं होते हैं या कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं कि हम उस पर सर्च करें। लाइक अगर फोन गुम हो जाता है तो उसका सीरियल नंबर होता है या कुछ ऐसी चीजें गुम हो जाती है जिस पर हम सर्च करें, बट एक प्रॉपर बैग में एक छोटी सी बुक मोटर पास वो कहीं से नहीं खोल सकते थे। और उन्होंने हमें बताया कि अगर आप इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर आपकी डिलीवरी जो है वो कराएंगे ही कराएंगे, सो आपको वहां से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लकीली हमारे साथ हम ये सारी चीजें जब सारी चीजें हो चुकी एंड उस होने के बाद जब हम घर आए और मेरा पेन स्टार्ट हुआ, हम हॉस्पिटल गए एंड हॉस्पिटल में मैंने सिर्फ वो पेपर दिखाया। ऑब्वियसली वहां पे मिडवाइफ ने मुझे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है, मतलब ऐसे वो उसने मुंह बनाया, बट मैंने बोला गुम हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे डॉक्टर ने ये दिया है। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला और उस पेपर के ऊपर उन्होंने मेरी डिलीवरी भी कराई, सारी चीजें हुई एंड जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आई तो मुझे सेम मोटर पास मिला, बट उसमें मिसिंग यही था कि थ्रू आउट जो 9 मंथ्स की मेरी जर्नी थी एंड थ्रू आउट जितने स्कैन्स हुए थे, सारी टेस्ट हुए थे, वो सारी जो डिटेल्स लिखी थी वो नहीं थी, बट सेम मोटर पास में उनके जो हॉस्पिटल के जो डिस्चार्ज समरी थी वो लिखी हुई थी। तो बस वो मिसिंग था जो मैं शायद हमेशा ही मिस करूंगी। बट यस, मोटर पास अगर आपका गुम होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये था मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जब मेरा मोटर पास गुम हुआ था तो मैं बहुत परेशान एंड मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, टेंशन में थी। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट लो डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाओ एंड वो आपको नया मोटर पास जो है वो बना के देंगे, नहीं देंगे आपको एक डॉक्यूमेंट पे लिख के देंगे। तो सारी डिटेल्स जो है वो मैंने आपको बता दी है जो हमने एक्सपीरियंस किया है। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।